गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ये है मेरे पति। ओके, सो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिन है और कितने दिनों के बाद हमने पंछियों को बीज डाले हैं आज, क्योंकि आज बेचारी चिड़िया हमें दिखी। एंड चिड़िया काफी समय से दिख नहीं रही थी। पति बहुत ज्यादा हैरान परेशान थे कि कितने चली गई। एंड इन्होंने बड़ी रिसर्च की, पता चला कि वो उड़ के कहीं और चली जाती हैं, पर पता चला कि वो इतना उड़ती भी नहीं है। और हमने बीज डाले क्योंकि जो हमारा बाहर वो फीड करने वाला है ना, वो टूटा हुआ है, उसमें ये शैतान सा एक स्क्वायरल आके बैठ जाता है, तो फिर वो सारा चीज़ें फेंक देता है। तो हुन वी ना जानता ही नहीं पाया, ज़्यादा तो सामान पाया है उसी के नज़दीक शाला मरी जाता है। मुझे लगता है तोड़ूगा बाहू का। क्यों, ये ना बड़ा ख़राब है। ये हिला हिला के जंप मार मार के ना चीज़ें नीचे फेंकता है। और ये कितनी बार इसने तोड़ दिया, मैंने 2-3 बार ग्लू से इसे फिक्स किया। हुन भी ना बहुत छाला मारता है, दूर से छाल मार के आता है ये। आई नो क्यूट है, हम चाहते हैं कि ये भी खा ले, पर थरथली तो ना मचाए, बहुत थरथली मचाता है ये। चिड़ियों को तो आने नहीं देता बेचारियों को। ओके, सो हम दोबारा से पहुंच चुके हैं डोनेशन करने के लिए। ओके, सो घर से निकलते समय मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि हमें डोनेट करना था बहुत सारा सामान, तो वो सारा सामान हमने गाड़ी में भरा। उसके बाद हम दोनों चले गए वैल्यू विलेज उसको ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि आज हम कॉस्को में आ रहे थे और वैल्यू विलेज कॉस्को के बिल्कुल सामने है ओकविल में। सो उसको हमने डोनेट कर दिया। अब हम बहुत ज़्यादा हंग्री है, समय हुआ है 12:30। तो कॉस्को के पास ये प्यारा सा रेस्टोरेंट है, राधे कृष्णा आई गेस इसका नाम है। तो यहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिलता है, तो हम साउथ इंडियन थाली खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, और उसके बाद हम कॉस्को जाएंगे प्रिस्क्रिप्शन पिक करने के लिए। एंड आलतू फालतू शॉपिंग करेंगे, थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग, एंड देन घर जाएंगे। तब तक हिम्मत की स्कूल से आने का समय भी हो जाएगा। सो फार मेरी ज़िंदगी में यही चल रहा है। हस्बैंड गए अपने हाथ धोने के लिए एंड मैं यहाँ पर बैठी हूँ अकेले। सो या मैं आपको ना अपना प्लेट दिखाऊंगी जब मेरा फूड आ जाएगा। इनका फूड काफ़ी ज़्यादा हल्का फुल्का और अच्छा है। वैसे मुझे लगता है साउथ इंडियन होता ही हल्का फुल्का अच्छा है, क्योंकि जब हम नॉर्थ इंडियन फूड खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि फ्राइड ज़्यादा ही हैवी होता है मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कि हमारा फूड साउथ के मुकाबले ज़्यादा परा है या सेम है? नहीं, डोसा वैसे हल्का होता है, कितने भटूरे कितने डोसा, आप पे छोड़ते हैं, आप डिसाइड करके मुझे बताना। जहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिल जाए, ये बंदा वेट ही नहीं करता, वीडियो बनाने की वेट नहीं करी, खाना शुरू कर दिया। मैं तो चिपोटले जाना चाहता हूँ। ये बंदा है मेरा साउथ इंडियन, पुराने जन्म में ये साउथ इंडियन फूड खाता था और वहीं का था। अच्छा, मुझे लगता है ये बंदा तेलंगाना से है। और दूसरी बात है कि कई बार जब मैं और हस्बैंड मूवी देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, मैनू लगता है इसे समझ भी आती है। ओके, सो हम कुछ हल्का सा खाना चाहते हैं, तो हम खा रहे हैं इडली एंड अदर चीज़। हम खा रहे हैं थाली जिसमें सारा कुछ आ जाएगा, मिनी मिनी, उसका नाम है मिनी टिफिन। गाइस, मैंने आपको कहा ना कि पति बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन है। इन्होंने अपने लिए उत्पम उपमा चिंगी मिंगी हलवा सारा कुछ ही मंगा लिया प्यारी ने। अपनी प्लेट भी अपनी तरह खिसका ली। शेयर नहीं करेंगी प्यारी, भूख लगी मैनू, चकले चकले। ओ प्यारी ने अपना डोसा खोल के अंदर आलू चोरी कर ले। इसे ऐसे खाता है। ले मेरी चटनी हमें दस्तों की दाल बढ़िया लाइट है ना। ओके, सो खाने के बाद हम लोग कॉस्को पहुँच चुके हैं। कॉस्को में बहुत दौड़ दौड़ के शॉपिंग कर रहे हैं हम लोग। ओके, उसका रीज़न पता क्या है कि हिम्मत का स्कूल फिनिश हो जाएगा और हम चाहते हैं कि हमारा सारा काम हिम्मत के स्कूल फिनिश होने से पहले फिनिश हो जाए। एंड यस, ऑलमोस्ट डन ही है। हम मुझे 2-4 चीज़ें और चाहिए, देन वी आर गुड। कॉस्को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यस प्लीज़।
बस को चाहिए पैसे स्पेंड करिए, उम्दा चीजें मिलती हैं आपको सस्ते दामों में, और क्या चाहिए आपको। प्यारी कमीशन तो नहीं लैंदी है ना, तो इन्ने प्यार ना पहली बार ही क्या गाइस किसी चीज के लिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ना फेवरेट स्टोर है कॉस्को, ये यहाँ पे आते हैं फालतू की चीजें लेके जाते हैं, तो इनको इतना अच्छा लगता है ये घूम की चीजें खरीदते रहते हैं। मैंने तो जॉब भी ट्राई की, मुझे मिली नहीं। और ये दोस्तों तो क्विक हॉल कर देती हूँ मैं, हम लेके आए हैं संतरे एंड पाइनएप्पल, क्यूकम्बर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ही सैलड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, एंड ब्लूबेरीज, बनाना, पॉपकॉर्न हिम्मत की फेवरेट है, एंड डोरिटोस ये भी मम्मी को पसंद है, और हम अपने लिए ये वाले चिप्स लेके आए हैं गुआक के साथ खाने के लिए। वैसे हम इतने फ़ैन नहीं है, पर हस्बैंड ने कहा कि मुझे ट्राई करने हैं ये एनीवेज, तो हमने ले लिया है ये। और ओ ये वाले लाइम लेमन, इनको क्या कागजी लेमन कहते हैं ना, जिनका छिलका बहुत पतला होता है, कितने समय के बाद आज हमें ये मिले हैं। पिछली बार मैंने इनका अचार डाला था और बहुत डिलीशियस अचार बना था और हमने सारा खा लिया था। हिम्मत के फेवरेट ये डिनर बंस, उसे बहुत अच्छा लगता है, या फिर मैं पाव भाजी के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, अंडे खूब सारे, एंड व्हाट एल्स। ऑलराइट, और हम लेके आए हैं ये ऑर्गेनिक शहद, सुबह शहद एंड लेमन वाला पानी पीने के लिए। इस शहद में फूलों का फ्लेवर है, तो हमने लिए हैं दो। दूध लेके आए हैं हम, दूध लेके आए हैं एंड 10% क्रीम मेरी चाय के लिए। सो दैट्स इट, दैट इज इट आई होप। ओ एक्चुअली मैं ना कुछ बेडिंग्स लेके आई हूँ कॉस्को से, वो जब मैं बिछाऊंगी तो दिखा दूंगी आपको। और मैं लेके आई हूँ कुछ तौलिए नए फ्रेश, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नए तौलिए। दैट्स इट, अब हम चाय बना के पीने वाले हैं। हिम्मत के आने का समय हो गया था 3 बजे, अब बजे हैं 3:30। हिम्मत आपको नज़र नहीं आ रहा है, वो इसलिए है क्योंकि मैं लेट हो गई थी थोड़ा, तो मैंने मेरी दोस्त को फ़ोन करके कहा कि हिम्मत को पिक कर लो, तो उसने हिम्मत को पिक कर लिया। अब मैं मेरी दोस्त के घर गई थी उसे हिम्मत को लेने के लिए, हिम्मत की बस से मैं सिर्फ 5 मिनट लेट। सो 5 मिनट में हिम्मत ने उनको अपने आप को उनके घर में इतना अच्छा एडजस्ट कर लिया कि वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। वो मुझे कह रहा है कि मुझे यहीं पर रहना है, मैं मूवी देखने वाला हूँ, मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, और मेरी फ्रेंड ने उसको पॉपकॉर्न बना के दे दिए, तो अब वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है। तो वो भी कह रही कि इसे रहने दो, मैं इसे छोड़ जाऊँगी। तो मैंने कहा कि चल कोई नहीं, हिम्मत आधा घंटा स्पेंड कर ले आपके साथ, उसके बाद मैं उसको पिक कर लेती हूँ। तो हिम्मत घर में नहीं है, वो उन्हीं के घर में है, वो जहाँ पे जा। ओके, सो मैं कह रही थी कि हिम्मत ऐसा है बिल्कुल मेरे पति की जैसा, जीने लाई गली उसे ना उठ चली। बहुत ना कोई भी चीज ओपन कर लें फिर थोड़ा सलाब जाता सिस्टम, हूं इन्हू पैक भी करो। ओके दोस्तों, तो आज दिन है, हम घर को डिक्लटर कर रहे हैं। ये है किचन, काफ़ी ज़्यादा मैसी। आई डोंट नो ये वाला पार्ट मैं कब अपलोड करूँगी, पर मैंने आज सोचा कि मुझे शूट कर लेना चाहिए कि कैसे लग रहा है घर फ़िलहाल। सो ये है बिफोर, हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लटर करके इसे काइंड ऑफ एम्प्टी करना है। सो या ये है हमारा बिफोर। मुझे लगता है कि जब हम ऑल रेडी होंगे मूव करने के लिए तब ये वीडियो जाएगी। Now is this. But what are you doing? Hello दोस्तों, तो मैं हूँ मेरे बेडरूम में, बहुत ही बुरी तरह थक चुकी हूँ। डिक्लटर चल रहा है, क्लीनिंग चल रही है, एंड उसके बाद हम दोनों, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना भी बनाया, हमने खाई रोटी आलू गोभी के साथ। अब मैं और हिम्मत अपस्टेयर आ चुके हैं, हिम्मत को नहीं नहीं करा रही हूँ मैं, उसकी हेल्प कर रही हूँ, उसके बाद हम स्ट्रेट अवे सोने के लिए जा रहे हैं। मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहती थी, पर मैं कल करूँगी क्योंकि मुझे आपसे बातचीत भी करनी है, और अब मेरे पास बातचीत करने के लिए एनर्जी नहीं है। सो मैं आपको सुबह मिलती हूँ, एंड यस आई गेट बैक टू यू इन द मॉर्निंग। ऑलराइट दोस्तों, तो आज है 2 दिन के बाद वाली सुबह, क्योंकि पिछले 2 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड आज मेरे क्यूट पति का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पति। थैंक यू। एंड आज मैंने सोचा है कि पति के लिए बर्थडे व्लॉग बनाएंगे। सो पति की दिनचर्या शुरू हुई है फ़ोन के साथ, ही इज़ वेरी बिजी पर्सन। ऑलराइट दोस्तों, मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली मैंने वीडियो को एडिट करी और उसमें मैंने बोला था मैं आपसे कल कोई बात करूँगी,
धुप बढ़ी है यहाँ पे, और मैनू पता नहीं अब मैं क्या बात करना चाहती थी, पर यहाँ पे मैं आ गई हूँ आपको बाय बाय बोलने के लिए। थैंक यू मेरी वीडियोस को देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड मैं मिलूँगी आपको कल नई वीडियो के साथ। आज वैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ हस्बैंड का बर्थडे, उनका बर्थडे है आज, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। सो आज उनका पूरा दिन हम रिकॉर्ड करेंगे, हम कोई खास सेलिब्रेशन नहीं करने वाले हैं। हस्बैंड ने तो कहा है कि मेरा बर्थडे स्किप कर दो, वो हर बार ऐसे कहते हैं, पर हम ले आएंगे कोई सस्ता वस्ता केक, कोई वॉलमार्ट से लाएंगे कुछ। मैं तो हूं तो चेक कर, मैं तो हूं तो चेक करता हूं कि तुझे सच्ची हस्बैंड स्किप करने बारे सोच रहे हैं नहीं। पर ये तो हमेशा कहनी है कि मैं मीमी का बर्थडे स्किप करना, तेरा करना, मेरा करना, ऐसी चक्कर जैसा वाला ही तेरा करना भी। मैं चाहना कि ओके दोस्तों, अगर जानना चाहते मेरे हस्बैंड की एज क्या है, ही इज 51। बहु वैसे सही है यार, तू 50s से भी 30s वर्गे लग दो, थोड़ी खूबसूरती का राज किया, बोटॉक्स तो नहीं कराया कि प्लास्टिक सर्जरी।